हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका लॉरेंज बल्ब। क्या होता है लॉरेंज बल्ब? ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लॉरेंज बल्ब के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक, तो चलिए बात कर ले कि आखिरकार लॉरेंज बल्ब होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें कि ये बल्ब किसी गतिमान कण पर लगता है जब कोई आवेशित कण यानी कि उसमें आवेश होगा तभी तो वो आवेशित होगा। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जब कोई आवेश, भाई जब किसी एक कण को हम आवेश देंगे, ठीक, और उसको कहाँ रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जब स्वतंत्र गति, मतलब एकदम फ्री फील करके एकदम किधर इधर भी, मतलब कि कहीं भी आ जा सकता है उस चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र गति करे, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं आप, ये हमने क्या किया, एक परिपथ लिया है जिसको कहाँ पर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। एक परिपथ लिया है जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इस पर एक कण उपस्थित है जिसे हमने क्या आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है। क्यू आवेश इस कण पर लग रहा है और ये वी वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, गतिमान हो रहा है। या तो आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र लें, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने क्या किया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है जिसमें एक कण लिया है जो कि जिसमें आवेश क्या लग रहा है, क्यू आवेश से आवेशित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें जो कण है उसमें क्या है, क्यू आवेश लग रहा है और वह वी वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, इधर उधर कहीं भी स्वतंत्र होकर गति कर रहा है। तो स्वतंत्र होकर गति करते समय इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ बल की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो बल कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण, डेफिनेशन क्या बोल रही, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र गति करता है यानी फ्री होके चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, इधर उधर गमन कर सकता है, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इसे एफ से व्यक्त करते हैं, लॉरेंज बल को किससे, एफ से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉरेंज बल से हम गतिमान आवेश पर कण कैसे निकाल पाएंगे, ये फॉर्मूला उसी का है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, तीन अक्ष लिए हैं जिन पर जो कण है, जिन पर जो लॉरेंज बल है वो आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र बी है और वेग वी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का क्या नियम क्या होता है कि अंगूठा कण पर लगने वाले बल की दिशा को, और जो फर्स्ट वाली फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की, और जो थर्ड वाली जो फिंगर है वो धारा आई की दिशा को व्यक्त करती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। तो इसी के नियम से जो भाई ये अंगूठा क्या है, बल की दिशा को व्यक्त करता है, और जो पहली उंगली होती है तर्जनी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो तीसरी मध्यमा होती है वो धारा आई की दिशा को व्यक्त करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र और जो बहने वाली धारा है इसके बीच में क्या होती है, भाई कण गति कर रहा है विवेग से, तो इनके बीच में जो बनने वाला, जो चुंबकीय क्षेत्र और वेग वी के बीच में जो बनने वाला कोण है थीटा, इसकी जा के भी अनुक्रमानुपाती होता है लॉरेंज बल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, तो इसी डेरिवेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।